उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत जहां खुद पार्टी से चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग कर चुके हैं, वहीं अब हरीश रावत के खास माने जाने वाले कांग्रेस सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कद का नेता कांग्रेस में नहीं है। टम्टा ने कहा कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करना जरूरी है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा, हरीश रावत उत्तराखंड के एकमात्र राष्ट्रीय नेता हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो कांग्रेस पक्के तौर पर यह लड़ाई जीतेगी। साथ ही प्रदीप टम्टा ने कहा, राज्य में और कोई नेता ऐसा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सके, क्योंकि उनका कद रावत के कद से छोटा है। टम्टा ने कहा, इंदिरा हृदयेश और प्रीतम सिंह जैसे नेताओं का कद स्थानीय है, जबकि रावत एक राष्ट्रीय नेता है। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में रावत के होने से कांग्रेस मतदाताओं को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड में जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और राज्य की जनता भाजपा शासन से मुक्ति चाहती है।